अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपने इमेज का डेमो तो देख लिया, अब हम इसका ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो हमने ये इमेज ले लिए न्यू करके, यहाँ से ये साइज यहाँ से चूज करना है 1250, 720 और 72 रेजोल्यूशन। ये हमने क्रिएट किया, यहाँ पे ये आ गया साइज। ये साइज आने के बाद हमने ये पिक्चर उठाई, ऊपर के मूव करके यहाँ पर लगा दी। यहाँ पर लगाने के बाद इसको कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करने के बाद इसको यूं करके बड़ा करके एडजस्ट कर लेना है। अब ये मैंने यहाँ पे कर लिया, इसको क्लिक करने के बाद लगा दी, परफेक्ट है। अब इसके बाद हमें यहाँ से ये पिक्चर लेनी है बादलों की। ये पिक्चर हमने यहाँ से यूं करके उठाई, ये यहाँ पर ये वाला हम ये पुराना कैंसिल कर देते हैं। इसको हमने कंट्रोल टी से वापसी वैसे ही बड़ा किया, इसको बढ़ाया। सिंपल स्टेप है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये बढ़ाने के बाद हमने यहाँ से इसको राइट किया। राइट करने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये इसके बराबर के अंदर ये इसको यूं करके दबाया, सही है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आपने ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल लेने के बाद इसका साइज आप थोड़ा बढ़ा लें, यहाँ पे ब्लैक चूज करना है। फिर आप हल्का हल्का यूं करें, ये देखें ये सारा हटवा। अब ये यूं करके ना आप यूं करके आएंगे, ये आपकी इमेज परफेक्ट होना शुरू हो गई। अब सही है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, यू सैचुरेशन पे जाना है। यू सैचुरेशन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। अगर हम यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये आप मतलब ये पूरी इसके ऊपर कलर हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना ज़रूरी है, फिर सिर्फ यहाँ पे क्लाउड्स के ऊपर कलर करेगा। ये मैंने पहले से लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। ये -180 होगा, ये -43 और ये -10 में जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे सेट। आप यहीं पे जाना है, कलर बैलेंस के अंदर जाना है, इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे +14 है, +11 और +24, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद इसके यहाँ पे जाना है, इसको भी थोड़ा हम एडजस्ट कर लें। यू सैचुरेशन के ऊपर जाकर थोड़ा कलर हमें सही करना पड़ेगा, वरना यह हमें थोड़ा अजीब हो जाएगा। सही है, ऐसे कलर बैलेंस पे जाना है, इसको अपना क्या नाम है बढ़ाना है, परफेक्ट सही है। अब थोड़ा सही लुक आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ से एक और इमेज लेनी है, ये वाली। अच्छा, मैं यहाँ पे पेन टूल से सिलेक्शन नहीं करूँगा, सही है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट अपना क्या नाम है क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन करूँगा, क्योंकि ट्यूटोरियल फिर वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये सिंपल मैंने ये दिया, यहाँ से साइज एडजस्ट किया, ये तो है छोटा पिक्चर सिलेक्ट। अब इसको यूं करके उठाकर इसको भी यहाँ पे ले जाना है, ये इसको ऊपर ले जाओ, ये यहाँ पे आ गई पिक्चर। अब इसको ना ऐसे ही छोटा करना है, ये हो गई पिक्चर छोटी। इसको अब आप आगे बढ़ा लो,
एड्रेस भी करना पड़ेगा आपको। सही है, अब ये पिक्चर के बाद उसके ऊपर भी जैसे यहाँ पे काम हुआ है, सही है, बादलों के ऊपर, सही है, वैसे ही यहाँ पे इसी पिक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब ये पिक्चर में सेलेक्ट की यहाँ पे, सही है, अपना ह्यू सैचुरेशन के ऊपर गए, ए पी मैंने ये भी लिखा हुआ है 51 और अपना -2 और -9। अरे मैंने गलती कर दी, देखा ये अभी देखें, ये सिलेक्ट नहीं था ना, ये पूरी उसके ऊपर इमेज पे हो रहा था, सिलेक्ट करके इसको करना पड़ेगा। अब वैसे ही कलर बैलेंस लेना है, कलर बैलेंस लेने के बाद ये भी मैंने लिखा हुआ है 7 5 25। ये देखें, ये इमेज इसके साथ मैच हो गई बैकग्राउंड के साथ जो है, सही है। अब ये हमारा यहाँ पे काम हो गया, अब इसके बाद इसी में यहाँ पे कर्व्स लेने, इसको थोड़ा सा ना यूं करके नीचे कर देना है आपकी नीड के हिसाब से, बेहतर है, सही है। अब ये पिक्चर यहाँ पे रेडी हो गई, सही है। अब इसके बाद वो जो शेप, हाँ ये कहाँ है, ये वाला, उसको लेना है सिलेक्ट, ये हो गया सिलेक्ट, उसको यहाँ से उठाना है, नहीं यहाँ पे लेके जाना है, ये दो मैं हटा देता हूँ, ओके कोई शादी नहीं हो, ये कंट्रोल दबाकर आप इसको साइज सही कर सकते हो, लेवल में मतलब इसको ला सकते हो जिस तरीके से आपको लाना है, सही है। सेम वही ब्रश टूल लेना है, इसको यहाँ से मिटा देना है, सही है। मिटाने के बाद इसको कंट्रोल टी करना है, इसको थोड़ा और छोटा करो, कंट्रोल दबाकर थोड़ा सा इसको चौड़ा करना पड़ेगा, ये इमेज हो गई इसकी रेडी, सही है। ब्रश टूल लेना है, थोड़ा सा यहाँ से हटा देना है, परफेक्ट हो गया, सही है। अब इसके बाद ना इसके अंदर लेवल्स पे जाना है, सही है, ये भी मैंने लिखे हुए सर, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि आप लोगों का भी वक्त बचे और मेरा भी टाइम बचे। यहाँ पे इसको 27, यहाँ पे 0.75 और ये 255 ही रहेगा, सही है। इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, परफेक्ट हो गया, सेट है, सही है भाई। अब इसके बाद ना इसका शेडो बनाना है, अब शेडो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका शेडो स्क्रीन पर क्लिक करना है, कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल टी दबाकर इसको यूं करके, सबर सबर सबर, ये क्या सीन हो गया, ये इमेज है, बढ़ा लो, सही है, ये हो गया। अब ये जो चीज आ रही है ना नीचे, सही है, इस पे क्लिक करके इसकी कैपेसिटी कम करके और गॉजियन यहाँ से फिल्टर करके ब्लर पे जाकर गॉजियन ब्लर, सही है। अब यहाँ से आप एडजस्ट कर लो कितना सही लग रहा है, मुझे ये काफी लग रहा है, इनफ है, इनफ है, सही है।
ये यहाँ से थोड़ा इसकी कैपेसिटी कम कर देते हैं। सही है, वही विश टू लेना है। सॉरी मेरी गलती थी यार। अब इसको यूं करके करना है, कैपेसिटी आप बढ़ा दो अब थोड़ी सी। सही है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो कि ये शेडो की तरह लगे ये थोड़ा ना। इसको यूं करके एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। डन हो गया। कैपेसिटी कम कर दो। डन है, सही है। इसमें भी कंट्रोल चेक करके इसको ऊपर लेकर आकर आपको क्लिक करना है। सही है, ये हो गया यहाँ पे तैयार। अब को आप क्या करो, ये वाला था ये, इसको कंट्रोल जे दबा दो। ये दबाने के बाद इसको यूँ करो, इसको छोटी की तरह लेकर जाओ बाहर की साइड के ऊपर। सेट है, कंट्रोल जे दबाना है। यहाँ पे ले आओ। डन है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाना है, स्ट्रोक पे जाना है, स्ट्रोक इसका बना देना है। साइज आपको अपनी मर्जी से एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ से काफी है। वेसिटी कम कर दो। सही है, बहुत है। इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको अब मिटाना पड़ेगा सारा ना। साइज छोटा लेना है यहाँ से पहले करना है। सही है, क्रिएट लेयर पे क्लिक करना है, इस पर जाना है, अब मिटाना है ताकि काम आसान हो जाए। यहाँ से पहले ये करना ज़रूरी है, मैं आपको बार बार बता दूँ, ये करना बहुत ज़रूरी है। इसको हल्का हल्का यहाँ से यूँ लेके जाना है। सही है, तो ये पूरी लाइन आप ले जाओ इसका। इसी तरह इस पे जाना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, स्ट्रोक पे जाना है। सही है, ओके करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट लेयर करनी है, यहाँ पे जाना है, ये करना है, डिपिंग मास्क कहते हैं इसे। सही है, मैं आपको बता दूँ ये करना ज़रूरी होता है अगर आपको इस तरीके की इमेज बनानी हो। इसके ऊपर ये क्लिक करके ये इमेज डन हो गई यहाँ पर। अब ये करने के बाद यहाँ पे इसका मतलब फोटो मतलब फिल्टर लगाएंगे। सही है, इमेजेस ये नहीं था। फोटो फिल्टर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कोड है, ये कोड आपको लगाना है 0042FF। ओके करना है, सॉरी हाँ ओके करना है। डेंसिटी 28 रखनी है। सही है, डन है। सही है, अरे ये क्या है भाई, ये यहाँ से ब्रश टूल लेना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये हट गया। डन है इमेज, डन है। सही है, अब मैंने गूगल से ना ये गेटवे की इमेज उठाई थी पीएनजी के फॉर्म में ना, ये यहाँ पे लाकर यूँ कर दिया। क्या करना है, इस पर यूँ करके आगे सबसे ऊपर आके उसको हट करके तो नज़र आ जाएगा। ये नीचे होगा ना तो ये लेयर्स से पीछे चले जाती है, ये वाली लेयर जो आप लेते हो।
करिए टू माइनस प्लस, इसको अब यहाँ से छोटा करके एडजस्ट करके यहाँ पे यू करके लगा देंगे। अच्छा, ये लगाने के बाद ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे अपना कलर चेंज आ रहा है ना, ब्लैक में नहीं है फुल, तो इसको हम ब्लैक में करेंगे। ट्री के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लेवल्स के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, सही है। इसका आउटपुट जो है, आउटपुट लेवल जो है इसके 17 और इसका 30, सही है। और ऊपर जो है वो 63, 0.62 और 151, सही है, ये डन हो गया। इसमें यहाँ पर इसके ऊपर हम जूम करेंगे, इसके ऊपर जूम करेंगे, देखिए फर्क आया है थोड़ा, सही है। इसके ऊपर जाएंगे, क्लिपिंग मास्क हिट करेंगे, यहाँ से ब्रश टूल लेंगे, जूम करेंगे, सही है, हल्का हल्का इसको जूम करके बिल्कुल सही हो जाए। ये यहाँ पे ये भी लग गई, सही है। अब इसके बाद आपको यहाँ से अपना हमें पिन करना है, ये बस मैंने यहाँ पे ये वाला की है, हाँ ये इमेज है, सही है। ये भी कटी हुई है ना पहले से, ये यहाँ पे मैं लाया, इसको हटा दो ना, वो इमेज कट चली गई क्रो की, तो ये क्रो की है, इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको सबसे ऊपर ले जाओ, यहाँ से इसको साइज इसका एडजस्ट कर लो, कॉपी कर लो कंट्रोल जे से, सही है। इसको यहाँ पे ले आओ, सही है, ऐसे ही पे एक और कॉपी कर लो, इसको कंट्रोल जे करके थोड़ा टर्न कर दो, नहीं इसको यूं करके यूं, सही है। इसी तरह भी इसकी कॉपी कर लो, उसको थोड़ा साइड में करके, सही लग रहा है, सही है। ऐसे ही ये अपना यहाँ पे इमेज तैयार है, सही है। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, सही है, ब्लर शेडो करना है, हाँ ब्लर शेडो डन है, सही है। डन हो गया, सही है। यहाँ पे आके न्यू लेयर लेनी है, सही है, ब्रश टूल सिलेक्ट करना है, साइज बढ़ा देना है इसका, और यहाँ पर यूं करके कलर मार देना है। इसके बाद यहाँ पे जाना है, हार्ड लाइट करनी है, ओपेसिटी कम करनी है, सही। ये कलर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, इसके कलर के बेस्ट थोड़ी और कम कर दी, बेस्ट है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, होप करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।